यज्ञ जो है ये विस्फोट करने वाली प्रक्रिया है और इकोसिस्टम को बैलेंस में लाने वाली प्रक्रिया है। इसलिए गायत्री और यज्ञ इन दोनों का जोड़ा है, इट्स ए पिलर, दोनों के दोनों पिलर हैं, स्तंभ हैं। गायत्री और यज्ञ के दोनों पिलर के ऊपर पूरा भारतीय संस्कृति का आधार स्तंभ जो है ये इन दोनों को माना गया है। उत्तर भारत में ऐसे हमले हुए कि हमारी संस्कृति को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया, और इसीलिए मित्रों आज जरूरत आ गई है कि हम भारतीय संस्कृति के माता पिता को वापस पुनः स्थापित करें और घर घर में गायत्री और यज्ञ का प्रचार करें और यज्ञ के माध्यम से लोगों के चिंतन को यज्ञीय बनाने की कोशिश करें। यज्ञ जैसी हम सुगंधि फैलाएं चारों तरफ, यज्ञ की ऊर्जा जैसा ऊंचा उठें और ऊंचा उठ करके राष्ट्रीय चिंतन करें। सूर्य की सेटलर पावर, स्पिरिचुअल पावर, सूक्ष्म शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति, आदिदैविक आध्यात्मिक, सूक्ष्म यानी आदिदैविक और आध्यात्मिक यानी कॉजल, कारण सत्ता, ये जन जन तक फैल जाए। सूर्य की किरणों का प्रकाश जन जन तक पहुंचे, क्या अभी नहीं पहुंच रहा है, अभी फिजिकल पहुंच रहा है। हाइड्रोजन हीलियम से जलने वाला प्लेनेट सूर्य, वो अपने प्रकाश के किरणें फेंक रहा है और वो धीरे धीरे उसका रक्षा कवच ढीला होता जा रहा है। ओजोन से बना हुआ आयनोस्फीयर, जिसकी 7 परतें हैं, सप्तलोक के रूप में जिनको हम जानते हैं, वो 7 परतों से छन छन के आते थे सूर्य की किरणें, वो हो रहा है, जीना जीना हो रहा है, कॉस्मिक किरणें आ रही हैं। और ये अल्ट्रावायलेट किरणें, एक्सरेज, ये किरणें आकर के हम सबके मन को उद्दीप्त कर रही हैं, बेचैन कर रही हैं, हम सबको बीमार बना रही हैं शरीर की दृष्टि से। यदि इन परतों की हीलिंग करनी है, यदि इन परतों को रफू करना है, यदि इन परतों को पूरा इंटेक्ट बनाना है, तो वो केवल एक चीज बना सकती है और उसका नाम है यज्ञ की अग्नि और गायत्री का मंत्र का उच्चारित किया हुआ स्वर हम ही लोगों के द्वारा। यज्ञ की अग्नि को साइंटिफिकली एनालाइज करके देखिए। प्रस्तुत है शांति कुंज वीडियो ऐप, उपलब्ध है गूगल प्ले स्टोर पर, अभी डाउनलोड करें। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।